दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला बहुत ही खास और बहुत ही हटके होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला एक हेल्थ केयर डिवाइस के बारे में जो आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। जहाँ पे पूरी दुनिया महामारी से गुजर रही है, उस समय आपके पास ऐसा डिवाइस होना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में, और आज की वीडियो मैं करूँगा इसकी अनबॉक्सिंग और बताऊँगा सारी डिटेल्स इस ऑक्सीमीटर के बारे में, क्या ये आपको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं, सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, डंडा शुरू। बात करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये है निस्कोमेड की तरफ से आने वाले पल्स ऑक्सीमीटर का बॉक्स, और ऊपर की तरफ आप देख सकते हो इसका मॉडल नंबर दिया गया जो है CMS50D। और अगर बॉक्स के राइट साइड में देखें तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन आपको देखने मिल जाएंगे इसी मेडिकल डिवाइस के बारे में। अब जल्दी से ओपन कर लेते हैं इस बॉक्स को। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखने मिलता है हमारा पल्स ऑक्सीमीटर का डिवाइस, और यहाँ पे हमें एक लैनियर्ड भी मिल जाता है इसी बॉक्स में, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को आप अपने गले में भी लटका सकते हो जैसे एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह। और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी डिसेंट है इस लैनियर्ड की। और बॉक्स में हमें मिल जाता है एक यूजर मैनुअल जो काफी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इसी पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। दोस्तों बात करें इस डिवाइस के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो ये डिवाइस बनाया गया है पूरी तरह से प्लास्टिक से, लेकिन जो प्लास्टिक की क्वालिटी है प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया है। और यहाँ पे आपको फ्रंट में आपको देखने मिल जाएगा एक छोटा सा LED डिस्प्ले, और इसी के नीचे यहाँ पे दिया गया है पावर बटन, जिसको हम बहुत ही जल्दी आपको ऑन करके आपके सामने चेक करके बताएंगे कि किस ढंग से ये काम करता है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो कुछ बारकोड लगाए गए जिससे आई डोंट थिंक हमें कुछ लेना देना है। और यहाँ पे बात करें पीछे साइड में, तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, और यहीं पर आपको मिल जाता है बैटरी के लिए यहाँ पे ऑप्शन। तो यहाँ पे जस्ट आपको इसको ओपन करना है। और बैटरी से रिलेटेड एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो दोनों साइड ही स्प्रिंग दिए गए, तो कन्फ्यूजन आ जाता है कि भाई बैटरी कैसे लगानी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दिया गया माइनस का पॉइंट और यहाँ पे दिया गया प्लस का पॉइंट। तो यहाँ पे आपकी जो बैटरी दी जाती है इसको कहते हैं प्लस और इसको कहते हैं माइनस, तो आपको इस ढंग से बैटरी इंसर्ट करनी है। डिवाइस के अंदर साइड में देखो तो यहाँ पे लगाया गया एक मेन सेंसर जिसके थ्रू ये पूरा डिवाइस काम करता है। तो अब यहाँ पे मैं जल्दी से इसको ऑन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये किस ढंग से काम करता है। तो यहाँ पे जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो यहाँ पे लिख के आ जाता है फिंगर आउट। तो यहाँ पे ऑन करने के बाद यहाँ पे जस्ट मैं देखो आप यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रही है, तो बस आपको इंसर्ट करना है आपका इंडेक्स फिंगर और उसके बाद ये काम करना चालू कर देगा। और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू आपको बताएगा पल्स की वैल्यू और ऑक्सीमीटर की वैल्यू। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो SpO2 है 98 के आसपास है और जो पल्स रेट है वो 87 है। जो आइडियल रेंज होता है SpO2 का वो होना चाहिए 95 के ऊपर हमेशा, और जो पल्स रेट है वो हमेशा आपका जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा जो भी एथलीट्स होते हैं उनका पल्स रेट बहुत ही कम होता है, तो अगर 60-70 है तब तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा पल्स रेट तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, ये एक्चुअली में फ्लक्चुएट भी होता रहता है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये जो डिवाइस है इसमें जो बीप की आवाज़ आ रही है इसको बंद करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो यहां पे सिंपली आपको करना क्या है कि बस ये जो डिवाइस है इसको ये जो पावर बटन है इसको दबा के रखना है। यहां पे ऑप्शंस आ जाते हैं पल्स ऑन ऑफ का, तो बस इसको एक बार आप वापस से दबा के रखिए, ये ऑफ हो गया। बाद में एक बार दबाएंगे तो ये मेनू में ऑपरेट करने के लिए नेविगेट करने के लिए आसानी हो जाती है। तो जैसे आप ब्राइटनेस में हो अभी इसमें अलार्म सेट कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, और अगर एग्जिट करना है तो इसको बस दबा के रखो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। एक बार मैं आपको मेन्यू फिर से दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हो इस LED स्क्रीन की। उसके बाद यहाँ पे आपको अलार्म सेट का भी ऑप्शन दिया गया है, जैसे कोई भी
पेशेंट है उसको अलार्म सेट करना है भाई कि हमेशा उसके हाथ में ये सब लगा रहे और एक एग्जैक्ट वैल्यू सेट कर दिया जाए, तो यहाँ पे वो आपको ऑप्शन मिल जाता है इस ऑक्सीमीटर में। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ इस डिवाइस के प्राइसिंग के बारे में, तो ये सिर्फ और सिर्फ 799 मतलब 800 रुपये का डिवाइस है, और इस समय आज की तारीख में हर एक इंसान के घर में तो होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यार दुनिया महामारी से गुजर रही है और इस समय ऐसे सिचुएशन में अगर आपके घर पर ये डिवाइस है तो काफ़ी हेल्प करेगा आपको बताने के लिए क्या आप इस बीमारी से बचे हो या नहीं। क्योंकि जो ऑक्सीमीटर है बेसिकली आपके जो बॉडी का ऑक्सीजन है वो बताता है, पल्स रेट कितना है वो बताता है, तो अगर आपको कोविड होने के चांसेस भी तो शायद ये डिवाइस आपको बचा ले, तो इस डिवाइस को मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन होगा कि ज़रूर कंसीडर कीजिए, और इसकी जो बाइंग लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। इसी के साथ ही साथ कुछ सवाल जवाब कुछ भी हो तो ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, और हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो बहुत ही धमाकेदार कंटेंट के साथ। तो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड keep watching, happy guy, bye bye.